नमस्कार दर्शक, आप देख रहे हैं जयगांव मिरर्स। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार, रैपिड हेडलाइंस। स्वास्थ्य विभाग में नियुक्ति में वंचित हुए कोरोना फाइटर्स, अधिकारी के आवास पर किया प्रदर्शन। कोरोना संकट के दौरान कोविड अस्पतालों में सेवा देने वाले अस्थायी कर्मचारियों को नियुक्ति से वंचित किया जा रहा है। इस आरोप पर अस्थायी कर्मचारियों ने जलपाईगुड़ी जिले के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा, हमें सूत्रों से पता चला है कि जलपाईगुड़ी मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में कई कर्मियों की नियुक्ति की गई है। आशा कर्मी कोरोना के दौरान जिंदगी दांव पर लगाकर अस्पताल में सेवाएं दी है, लेकिन हम में से किसी को भी नौकरी नहीं मिली। दूसरी ओर जिला मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी असीम हलदार ने कहा कि हालांकि यह मेडिकल कॉलेज अधिकारियों के देखने का मामला ही, वे उनकी मांगों को उच्च अधिकारियों के ध्यान में लाने का प्रयास करेंगे। पुलिस ने विभिन्न अभियानों में बरामद मोबाइल को उनके असली मालिकों को सौंपा। किसी का मोबाइल खो गया या किसी का मोबाइल चोरी हो गया। मालदा के पुलिस अधीक्षक प्रदीप कुमार यादव ने शनिवार को इस तरह के मोबाइल को असली मालिकों को सौंप दिया। आज आधिकारिक तौर पर इन मोबाइल फोन को पुलिस कार्यालय को उनके वास्तविक मालिकों को सौंप दिया गया। पुलिस अधीक्षक प्रदीप कुमार यादव ने बताया कि करीब 70 मोबाइल फोन बरामद किए गए। उन्होंने कहा कि अब तक 1000 से ज्यादा मोबाइल फोन बरामद किए जा चुके हैं। जिले के विभिन्न थानों क्षेत्रों से करीब 70 मोबाइल फोन बरामद किए गए। उम्मीद है कि भविष्य में और भी मोबाइल बरामद होंगे। भाजपा जिला अध्यक्ष के घर के सामने तृणमूल ने शुरू किया मंच बनाने का काम। राज्य तृणमूल नेतृत्व ने 100 दिनों के काम का पैसा और आवास योजना का पैसा रोकने का आरोप लगाते हुए ब्लॉक दर ब्लॉक भाजपा विधायकों के घर पर घेराव कार्यक्रम का आह्वान किया है। इसके मुताबिक जलपाईगुड़ी अरविंद ग्राम पंचायत के अंतर्गत मोहित नगर इलाके में बीजेपी जिला अध्यक्ष बापी गोस्वामी के घर से कुछ ही दूरी पर बड़े पैमाने पर स्टेज बैरियर का काम शुरू हो गया है। तृणमूल नेतृत्व ने कहा कि धरना मंच 6 अगस्त दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। कुचबिहार जिले में भी शुरू हो गया औद्योगिक समाधान शिविर। कुचबिहार जिले में भी औद्योगिक समाधान शिविर शुरू हो गया है। जिला स्तर पर शनिवार को उत्सव ऑडिटोरियम में शिविर आयोजित किया गया। कुचबिहार जिले के प्रत्येक ब्लॉक और जिला मुख्यालय में एक दिवसीय शिविर आयोजित किया गया। ये 1 से 18 अगस्त तक चलेगा। आज इस शिविर में 9 छोटे और मध्यम व्यवसायियों पर चर्चा की गई। इस अवसर पर कुचबिहार के जिलाधिकारी पवन कादियान, अतिरिक्त जिलाधिकारी सिराज धनेश्वर और अन्य उपस्थित थे। GNLF के पूर्व नेता भावेश भुजेल ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर गोरखालैंड की मांग में भूख हड़ताल पर जाने की बात कही। कलिकर्षंग से बीजेपी विधायक विष्णु प्रसाद शर्मा ने विधानसभा परिसर में अलग गोरखालैंड राज्य की मांग का सुर बुलंद किया था। वही शनिवार को GNLF के पूर्व नेता भावेश भुजेल ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर इसी मांग को लेकर भूख हड़ताल पर जाने का मुद्दा उठाया है। कहने की जरूरत नहीं कि अलग राज्य का मुद्दा एक बार फिर से गर्माने लगा है। हालांकि शंकर घोष ने दावा किया है कि सब कुछ विधायक की व्यक्तिगत राय या अभिव्यक्ति है। आज मीडिया के सामने उन्होंने कहा कि हालांकि बीजेपी सिर्फ अखंड पश्चिम बंगाल की बात करती है, यहां तक कि व्यक्तिगत रूप से विधायकों की भी अलग अलग राय हो सकती है। सिलीगुड़ी के खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप में पदक जीतकर सिलीगुड़ी का नाम किया रोशन। सिलीगुड़ी के खिलाड़ियों ने स्वर्ण, रजत और कांस्य सहित कुल 10 पदक जीतकर दार्जिलिंग जिले और सिलीगुड़ी का नाम रोशन किया है। इस वर्ष 29 और 30 जुलाई को कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में 7वीं अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। उस चैंपियनशिप में सिलीगुड़ी के कुल 11 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। प्रतियोगिता में इन खिलाड़ियों ने 2 स्वर्ण, 2 रजत और 6 कांस्य पदक जीते।